तो दही हमारा 1 कप है और इसमें आधी कप पानी डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से फेंट कर एकदम रायते वाली कंसिस्टेंसी बना लेंगे। अब हमारा रायता फेंट कर तैयार है, बिल्कुल क्रीमी सी हो गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली नमक और थोड़ी सी चीनी ताकि थोड़ा सा मिठास आ जाए। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई। अब इसे हम मिला लेंगे। इसमें हम लाल मिर्च नहीं यूज किए हैं क्योंकि लाल मिर्च हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा ठंडा हो गया है, गरम नहीं डालेंगे, ठंडा करके ही डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, जो हमारा रायता है वो तो आप बिना तड़का के भी खा सकते हैं, पर तड़का डालने से थोड़ा और भी टेस्टी हो जाएगा। तड़के में हमारा जीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता है। रायता हमारा रेडी है। अब इसे आप पुलाव, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।